यस yes. चलिए एक और नए स्टूडेंट से मिलवाता हूँ. नाम है शुभी वर्मा, जिनको एनआईटी कैलिकट अलॉट हुआ है. साथ में ही जेएनयू में ऑल इंडिया 20 रैंक थी, पर क्योंकि एनआईटी कैलिकट ऑलरेडी अलॉट हो चुका था और बहुत अच्छा कॉलेज है, तो इसलिए इन्होंने फाइनली एनआईटी कैलिकट को लॉक किया. तो शुभी, सबसे पहले तो आपको इस रैंक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं. थैंक यू सर. सर आपकी, प्रतीक सर की और मेरे पेरेंट्स की हेल्प और सपोर्ट की वजह से ये सब पॉसिबल हुआ है. सबके कॉमन एफर्ट्स होते हैं, उससे एक अच्छा रिजल्ट मिलता है. एक सराउंडिंग सपोर्ट और हमारे एफर्ट्स, इन सबसे मिला जुला रिजल्ट होता है. तो शुभी की हम सक्सेस जर्नी जानने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि शुभी जो है वो लखनऊ से बिलोंग करती हैं और फाइनल ईयर के साथ ये रैंक अचीव की, कॉलेज अचीव किया. तो शुभी, आपने फाइनल ईयर के साथ एक तो एनआईटी कैलिकट में एडमिशन लिया, सिलेक्ट हुए इतनी अच्छी रैंक के साथ, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आपकी लाइफ की सक्सेस जर्नी क्या है. क्योंकि मैं ये जितने सेशन ले रहा हूँ, सबकी लाइफ की अलग अलग जर्नी होती है, अलग अलग स्टोरी होती है. तो आपका अपना खुद का क्या एक्सपीरियंस है, कब आपने सोचा कि निमसेट करना है, फिर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की और किस ढंग से अपना आपने टाइम मैनेजमेंट किया? सर मैंने फर्स्ट ईयर में एमसीए के बारे में सुना था, पर उस टाइम मैं इतना सीरियस नहीं हो पाई थी एमसीए को लेकर के. फिर सेकंड ईयर में पापा ने आपकी एक वीडियो दिखाई थी 2019 मैथ्स पेपर सोल्यूशन की, तो वो देख करके मुझे लगा कि मतलब ये एक अच्छा मौका है एनआईटी को ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि पहले भी मैंने जेईई मेंस में भी मेरा, मैं क्वालिफाई हो गई थी पर कोई डिजायर्ड एनआईटी या कोर्स नहीं मिला था. तो फिर मुझे लगा कि ये अच्छा ऑप्शन है, तो मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की आपकी और कॉलेज के साथ साथ क्योंकि पढ़ना होता था तो बस आरडी शर्मा ऑब्जेक्टिव यही सब बुक सॉल्व करती थी, पर उससे कोई इम्प्रूवमेंट मुझे ऐसा दिख नहीं रहा था और ना कॉन्फिडेंस बढ़ रहा था. तो फिर ऐसा ही मार्च तक चलता रहा. फिर लॉकडाउन जब हुआ तब मेरी, उस टाइम मुझे लगा अनफॉर्चुनेटली है पर अब लग रहा है फॉर्चुनेटली मेरी बुक्स वहीं छूट गई दिल्ली में ही. तो मैं यहाँ पर आकर के टेस्ट पे फोकस करी और हर हफ्ते मतलब संडे को मैं सुबह 10 बजे टेस्ट देना शुरू करती थी और 12 बजे तक टेस्ट ओवर होने के बाद मैं पूरे दिन भर उसकी एनालिसिस करती थी. और उससे मुझे ये पता चला कि मेरी कहाँ कहाँ गलतियां हो रही है, क्या क्या सिली मिस्टेक्स हो रही है. तो उससे मुझे काफी हेल्प हुई और काफी आपके मोटिवेशन लेक्चर सुन करके तो और भी ज्यादा, तो उससे बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ मेरे अंदर और मुझे फर्क दिखने लगा. क्योंकि पहले जब मैं कुछ भी पढ़ती थी तो मुझे लगता था कि मतलब कुछ आगे ही नहीं बढ़ पा रही हूँ मैं, मतलब एक बुक्स में वो कॉन्स्टेंट फ्लो चलता रहता था पर कुछ फर्क नहीं दिखता था. पर जब टेस्ट देना शुरू किया तो वो उसके बाद फर्क दिखना शुरू हुआ. चलो बहुत अच्छी बात बोली. तो ये बताइए कि जैसे आपने पढ़ाई करी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है टेस्ट पेपर देना और उस पेपर का एनालिसिस करना और फिर उसके एनालिसिस के सॉल्यूशन को देखना. तो वो एक चीज आपने जो मेंटेन करी उसका डेफिनेटली आपको फायदा मिला. और देखिए, जो सपना आपका 12th आईआईटी के समय पूरा नहीं हो पाया, वो सपना अब जाके पूरा हो गया. ये भी एक मतलब कई लोगों का ड्रीम होता है कि हम आईआईटी जेईई मेंस के थ्रू या तो एनआईटी में जाएं या आईआईटी में जाएं और किसी कारण से नहीं जा पाते हैं, तो ऐसे में हमारे पास एक लूप लाइन होती है कि हम थ्रू एमसीए के भी जा सकते हैं. तो वो आपने करा, तो ये काफी अच्छी बात है. अच्छा ये बताइए, फाइनल ईयर की पढ़ाई और निमसेट की मतलब एमसीए के एंट्रेंस की पढ़ाई में, दोनों के कॉम्बिनेशन में कभी कोई प्रॉब्लम आई आपको? नहीं सर, पहले शुरुआत में आ रही थी क्योंकि मैं बुक से कर रही थी, तो उसके बाद जब एक बार टेस्ट सीरीज मतलब अच्छे से फोकस करके रेगुलर दिया तो उसमें ये हुआ कि एक फ्लो चलता रहा. मतलब पूरे शुरुआत में, हफ्ते के शुरुआत में मुझे पता रहता था कि पूरे हफ्ते मुझे क्या करना है, अपनी गलतियों को इम्प्रूव करना है, बस यही था. फिर धीरे धीरे गलतियां कम होती रही और इम्प्रूवमेंट फिर दिखता रहा. तो चलो ये बहुत ही खुशी की बात है. अच्छा ये बताइए कि जो बच्चे फ्रेशर्स होते हैं या फाइनल ईयर में होते हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? सर उनको बस ये करना चाहिए, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, जितना भी टाइम है उसको अगर सही से यूटिलाइज करे कोई तो सब कुछ पॉसिबल हो सकता है. और अगर जैसे मैंने किया तो मुझे वो चीज बहुत बड़ी गलती लगती है कि एक कांस्टेंट वो जो था सिर्फ बुक्स सॉल्व करना, तो उससे कुछ नहीं होता है. हर समय एक मोटिवेशन और फ्लो के लिए टेस्ट सीरीज बहुत जरूरी होती है और एक मोटिवेशन की, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस जब होती हैं तो घर में बैठे बैठे ये लगता है कि जैसे अकेले हैं, पर अगर कोई किसी को फॉलो करें, और किसी एक को स्पेसिफिकली मैं बोलना चाहूंगी, किसी एक ही को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि हर जगह भटकने से अच्छा है कि एक जगह फॉलो करके और उसी पे फोकस करना चाहिए.
बिल्कुल सही बात बोली सुबी। क्या होता है कई बच्चे जब सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं, इवन ज्वाइन भी कर लेते हैं, तो भी कई बार भटकते हैं। आज क्योंकि ओपन प्लेटफॉर्म है, कई बार वो इधर उधर देखते हैं, तो उससे उनका कंफ्यूजन बल्कि चालू हो जाता है। तो ये जो बात आपने बोली ना, ये कई बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि नंबर वन कोशिश करें एक ही किसी को फॉलो करें, प्रॉपर मैनर में चलें। और एक क्या होता है, प्रॉपर गाइडेंस मिल, जब हम खुद पढ़ाई कर रहे होते हैं तो हमें हमारी मिस्टेक समझ में नहीं आती। जैसे आप हर हफ्ते टेस्ट देते थे, फिर उस टेस्ट पेपर की एनालिसिस अटेंड करते थे, फिर आपको अपनी मिस्टेक समझ में आ जाती थी हर अगले हफ्ते फिर उसके लिए। तो एक वो रेगुलर जो बाउंडेशन होता है वो हमारी चीजों को बहुत लाइफ में इंप्रूव करता है। तो ये काफी अच्छा मैसेज दिया। तो शुभी आपसे बात करके बहुत मजा आया। आप NIT कैलीकट में भी आप ऐसे ही परफॉर्म करो। अब आपकी क्लासेस भी बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली हैं, अभी तो फिलहाल में सेमिस्टर बंद, शायद आपका पूरा ऑनलाइन ही निकल जाए, तो वो वाला फील अभी आप NIT का जो फील होता है कॉलेज जाके वो अभी एकदम नहीं ले पाओगे, पर शायद सब कुछ ठीक रहा तो हो सकता है सेकेंड सेमिस्टर से आप वो सब भी फील करो। तो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।